अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अस्मा काशान और आज मैं आई हूँ अपने डेंटिस्ट के पास। और डेंटिस्ट के पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे दांतों में हो गया है थोड़ा सा दर्द, जो कि मुझे बहुत कर रहा है परेशान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अस्मा काशान। आज मैं आई हूँ अपने डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरी दांत में और कुछ दांतों में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो तकरीबन मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। अपने जो डेंटिस्ट हैं मेरे, तो ये बहुत पुराने डेंटिस्ट हैं हमारे और फैमिली डेंटिस्ट हैं। तो तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर दांतों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने जो है वो डेंटिस्ट से रब्ता करें और उनको प्रॉपर चेकअप करवाइए। एवरी 6 मंथ्स के बाद आपने जो अपने डेंटिस्ट को अपना प्रॉपर दांतों का चेकअप करवाना है। अपने बच्चों का भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों के दांतों का प्रॉब्लम होता है, तो उस सिलसिले में भी आप डेंटिस्ट के पास आइए। मैं यहाँ आई हूँ, ये कराची में है, इनका क्लिनिक है और ये डेंटल एक्सपर्ट के नाम से है। यहाँ पर डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको जो फर्स्ट चेकअप होगा आपका वो फ्री होगा, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। और जब आपका कोई जैसे आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना होगा दैन उसके बाद जो है वो चार्जेस वगैरह वो आपको बताएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना हम ये सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और फीस देना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फर्स्ट चेकअप के ही वो इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं। तो आप यहाँ आइए, यहाँ पर फ्री आपका चेकअप होगा। और ये जो है वो इसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि जिन लोगों को डेंटिस्ट अच्छे डेंटिस्ट के पास आना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कराची में ये जो है वो डेंटिस्ट हैं और मैं उनसे मुलाकात किया और देखते हैं कि मेरे दांतों में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरे दांतों का मसला जल्द हल हो जाए। मैं बताना चाहूँगी ये डॉक्टर मज़र है, ये मेरे फैमिली डेंटिस्ट हैं और ये मैं तकरीबन 2012 से इनके पास आ रही हूँ। दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो इनके पास ही आते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं ये। और मेरी कुकिंग शो को भी देखते हैं तो हाँ, नहीं नहीं हो गया हवाले से भी। अगर आप, मैं तो आपका फ़ैन है, इस मामले में आपका फ़ैन है बहुत। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम होता है, तवाज़ु आप भी देखें इनका, बहुत अच्छा चैनल है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त में रेसिपी आपको मिलती है बनाने को, तो देखने को मिलती हैं। तो आप लाजमी इनका चैनल भी लाजमी देखें, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर ये आजकल गर्मी के हवाले से, जो इतनी गर्मी हो रही है इसमें जो, हाँ बिल्कुल वो तो हाँ। मज़ा तो देखते हैं मेरे चैनल को और हाँ। सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। तो बाकी बातें जो है वो ट्रीटमेंट के साथ साथ डॉक्टर हाँ। बताते जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा दांत की तकलीफ हो रही है, वो देख के बताएंगे कि क्यों हो रही है और क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ बैठिए इसमें सही। जी अस्मा साहिबा, क्या प्रॉब्लम हो गया? मुझे ये जो दांत है ना, ये वाला जी जी स्वेलिंग हो रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये स्वेलिंग कब से हो रही है आपको? ये मुझे परसों रात से। अच्छा, दूसरा मैं चेक करूँ, उसमें पेन है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा है। सही, दांत में भी दर्द, दांत में भी दर्द हो रहा है और उसकी गम्स में भी दर्द हो रहा है। सही, नहीं मैं समझ गया हूँ आपका ये मसला जो भी है ना। ये लास्ट पेन कब से हुआ आपको? मुझे ये परसों रात से हो रहा है।
अच्छा, मतलब ये रात से शुरू हो गया और कल रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और अभी भी काफ़ी हद तक पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो अजमा सर आपकी ना स्केलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डीप स्केलिंग होगी जिससे ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। कैविटी कोई नहीं है, लेकिन ये कि हाँ ये जो ना थोड़ी सी डीप स्केलिंग होगी इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ तो इनकी तो स्केलिंग होगी, उसके बाद ये 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स भी होगा और इंशाल्लाह से बेहतर हो जाएगा। तो जब भी हम कहते हैं कि आपने रेगुलर चेकअप कराना चाहिए हर 6 महीने के बाद, तो माशाल्लाह आपके वैसे काफ़ी दांत बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दांत में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ, क्योंकि आप जैसे असमा ने बताया कि 2012 से ये बाकायदगी से चेकअप करवाती हैं। और मैं एवरी 3 मंथ 6 मंथ के बाद जो है वो डॉक्टर मजर के पास आती हूँ। अगर मेरा कहीं जाने का भी होता है तो मैं बस ऐसे ही चेकअप करवा लेती हूँ, 3 चेकअप होता है। लेकिन इससे ये होता है कि आपके दांत में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको नहीं पता चल रही होती, तो वो एक डॉक्टर होता है वो आपको अच्छे से देख के बता देगा कि ये चीज़ आपकी हो रही है, इसको अभी ट्रीट करवा ले ताकि आगे तकलीफ आपकी ज़्यादा ना बढ़े। तो कोई भी चीज़ होती है उसको एक्सट्रीम पेन तक ना लेके जाइए, उसको फ़ौरन से ट्रीट अगर आप कर लेंगे, ट्रीटमेंट करवा लेंगे उसका, तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी और आपको जो पेन होता है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मुझे ज़रा सी भी कोई तकलीफ होती है मैं फ़ौरन डॉक्टर मजर के पास आती हूँ। तो आप लोग भी अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारी टेक्निक अक्सर ये बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं, जब कभी बच्चे होते हैं वो इंजेक्शन नहीं लगवाते या थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो हम यही करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो उनको कोई हाँ एक तरह से उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे साथ भी ये जो है वो डॉक्टर मजर ने और मिलके और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये प्लान किया था, जब भी मैं यहाँ पर आऊँगी तो मेरे साथ यही प्लान होगा और यही हुआ कि आज इन्होंने मुझे बहुत ऊपर भेजा। थैंक यू सो मच। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। अच्छा, आधा ट्रीटमेंट मेरा वहाँ हुआ है, स्केलिंग थोड़ी सी मेरी उस साइड पर हुई है, और दूसरा ट्रीटमेंट मेरा इस मशीन पर हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा और देखेंगे। अच्छा, आपने ये कंप्लेंट बताई थी, ये सर थोड़ा सा शार्प लग रहा था ना। अब देखें थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन है अभी थोड़ा सा है। हाँ सही है, पजल मिस, ये फर्स्ट मोटर ही है। हाँ जी इसमें सर, अब बताएं। यहाँ पर मुझे ठंडा गर्म लग रहा था, तो शायद इसी वजह से कि वो थोड़ा सा आपने इसको क्या किया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सेट हो गई इसकी सरफेस। असल में वक्त गुजरने के साथ साथ हालांकि माशाल्लाह आप इतनी वो नहीं है, यंग है माशाल्लाह। तो हाँ थोड़ा कुछ चीज़ें होती हैं शार्प हो जाती हैं वक्त के साथ, तो वो एक एज है या तो ब्रेक हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हर वक्त खाते रहते हैं या कोई ऐसी हार्ड चीज़ें खाते रहते हैं। बिल्कुल, मेरी आदत है बहुत सारे नट्स वगैरह होते हैं वो मैं उसको मुँह से ही अखरोट वगैरह होता है तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ऐसी चीज़ होती है हार्ड, उस वजह से भी ये सरफेस इसकी थोड़ी बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो एज बारीक एज होते वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हमको फील होता है कि कैल्शियम की कमी से भी होता है। वो तो बहुत है, लेकिन ये आपके आपके इसमें केस में ये चीज़ नहीं है। कैल्शियम हाँ कैल्शियम नहीं है, तो उसमें आपके लिए यही होगा कि आप थोड़ा ना एहतियात क्या करें, सही ना।
तो एहतियात कहते हैं ना, एहतियात है अफसोस से बेहतर है। तो आप एहतियात करें ताकि आपको कोई दांत ब्रेक ना हो। अगर दांत ब्रेक हो गया तो फिर निकालना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, सही है। दांत अगर ब्रेक हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं, निकालना ही पड़ता है। लेकिन अगर कीड़ा लग जाता है तो कोई भी एक ही दांत नहीं निकला, अल्लाह का शुक्र है। हमेशा कुछ भी होता है तो डॉक्टर मतलब उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो चीज़ ऐसा नहीं कि वक्ती तौर पर सही हो जाती है, लेकिन वो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, किसी और वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। ये डॉक्टर मजर की खूबी है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ दिनों से मेरा अपॉइंटमेंट था लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने डॉक्टर के पास आके विज़िट कर लूँ। मेरे डेंटिस्ट हैं, बहुत पुराने डेंटिस्ट हैं, तकरीबन 2011 और 12 से मैं उनको जानती हूँ और मैं उनके पास ही आती हूँ। दांतों से रिलेटेड जितने भी मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं, इशूज़ होते हैं, मैं अपने डॉक्टर के पास आती हूँ। तो तमाम उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अगर दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी आपको सजेशन लेना है, तो आप बराए मेहरबानी जो है वो अपने डेंटिस्ट से रजू करें। हमारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं अगर दांत में दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है। अपने बच्चों को भी हम जनरल फिजिशियन के पास ले जाते हैं, तो आप जीपी के पास ना जाइए, क्योंकि दांतों का मसला आपका डेंटिस्ट ही सॉल्व करेगा।